ये आप देख सकते हैं इधर मस्जिद कुबा जो है, ठीक है, ये इस तरफ है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, और इसके बिल्कुल इस तरफ मस्जिद नबी के तरफ जाते हुए, आजकल ये कुबा वॉक भी बन गया एरिया, उस तरफ मस्जिद जुमा आती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद जुमा की तरफ जाने वाला रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान इजाज़ लाख मदीनातुल मुनव्वरा से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो आज मैं आपको लेके जाने लगा हूँ मस्जिद जुमा की तरफ। मस्जिद जुमा कौन सी मस्जिद है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये कि 27 सितंबर 622 ईस्वी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तशरीफ़ लाई। 4 रोज़ इंतज़ार किया, ठीक है, किसका इंतज़ार किया, इसी जगह पर इंतज़ार किया मस्जिद कुबा पर, और उस तरफ चल दिए मदीना मुनव्वरा की तरफ, और आगे आती है मस्जिद जुमा। वहाँ जाकर वो क्यों रुके, किसका इंतज़ार किया, ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको विज़िट कराता हूँ वो रास्ता भी, और दिखाता हूँ भी कि किस तरीके से वो मदीना की तरफ गए थे इस मुकाम से। तो चलते हैं जी। तो ये रास्ता है, आप देख सकते हो मेरे पीछे मस्जिद अल कुबा है। तो ये रास्ता है जिस रास्ते से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा से मदीना की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में उनको एक जगह उनका पड़ाव हुआ। वो पड़ाव उनका क्यों हुआ, उसके पीछे क्या वजह है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जी 4 रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतज़ार किया था इधर, ठीक है। पीर के रोज़ वो आए थे इधर, मंगल, बुध, जुमेरात, और जुमे को सुबह के वक़्त वो यहाँ से चल दिए थे उस तरफ, जिस तरफ मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो जगह होगी जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तीसरा पड़ाव किया था, बल्कि चौथा आप कह सकते हो। पहला मस्जिद बनी उनैफ है जहाँ पे वो इस्तकबाल हुआ था उनका, दूसरी वो जगह है जहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन पर छाँव की थी, यानी मज़रातुल मुस्तज़ल्ला, और तीसरी ये मस्जिद कुबा थी, ठीक है। और चौथा उनका पड़ाव कहाँ हुआ था, मदीनातुल मुनव्वरा जाते हुए, जो आजकल मस्जिद अल नबी का हाता है। ये सब जानने के लिए अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस रास्ते से, और मैं आपको दिखाता हूँ वो मस्जिद जहाँ पे उनका चौथा पड़ाव हुआ था। ये है वो मस्जिद जिसे मस्जिद अल जुमा कहते हैं, और यहाँ पर मदीने का पहला जुमा यहाँ पड़ा गया था। ये बनी सालिम का एरिया था, और बनी सालिम के इसरार पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर भी पड़ाव डाला था। अकीदत के तौर पर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ भी पड़ाव कीजिए, और फिर यहाँ पे मस्जिद बन चुकी है। अब ये मस्जिद अलजुमा है। वैसे दो रिवायत आती हैं, एक रिवायत ये है कि बनी सालिम की रिक्वेस्ट पर यहाँ रुके थे, और एक रिवायत ये भी आती है कि यहाँ जुमा के लिए रुके थे। लेकिन जुमा के लिए रुके थे ये इसी वजह से इसको इधर जुमा पड़ा गया था, जिस वजह से ही इसका नाम मस्जिद अल जुमा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मस्जिद अल कुबा के पीछे साइड में है। जब आप मस्जिद नबी की तरफ जाते हैं ना तो रास्ते में आ जाती है, तकरीबन 900 मीटर के वक्फे पे है, और यहाँ से आगे मस्जिद अल नबी जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर के वक्फे पे है। अब यहाँ पे इधर से आगे जो है ना कुबा वॉक बन गया हुआ है, जो कि सीधा मस्जिद अल कमामा वाले एरिया में ले जाता है। ये देख सकते हैं आप मेरे लेफ्ट साइड में मस्जिद अल जुमा, ये है मस्जिद अल जुमा, इसका पार्किंग वाला एरिया है। और अभी मैं इसको इधर से विज़िट कराता हूँ आपको।